प्रश्न है, कहीं ऐसा ना हो कि समाधि लग जाए और मैं उठ ना पाऊँ दो तीन दिन, इसलिए डर लगता है। रात में ध्यान करता हूँ और जैसे ही जप शुरू करता हूँ तुरंत ध्यान लग जाता है। सर्वप्रथम तो हमें यह समझना होगा कि ध्यान का, समाधि का आपके बाहरी जीने और मरने से कोई भी सरोकार नहीं है। आपका भीतर ध्यान लगेगा, बाहर समाज आपको देखेगा कि यह व्यक्ति, यह साधक बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल भी भान नहीं होगा कि आप किस शून्य में गमन कर रहे हैं। ध्यान विधि को करते करते जब विधि भी छूटने लगती है, उस अज्ञात में जब प्रवेश होने लगता है तो भय जरूर लगता है, क्योंकि वह अवस्था ही ऐसी है कि आपसे संबंधित सभी चीज़ों को, जहाँ जहाँ आपने अपने पैर पसार रखे होंगे वहाँ से उठाना शुरू कर देती है। और आप जीवित हो, आप सांस ले रहे हो, आप सब देख रहे हो और आपकी जड़ें ही नोच दी जाएं, आपका मूल आधार खींच लिया जाए, तो आपके अस्तित्व के होने में एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक बड़ी असुविधा सी महसूस होती है, बेचैनी सी महसूस होती है कि मेरा ना होना हो रहा है। इतने समय से, इतने काल से मैं देखता आ रहा हूँ कि मैं हूँ और मेरी यात्रा होने की ही है, ये अचानक से ना होना क्या हो रहा है, इसलिए घबराहट होती है। इस घबराहट को होने दें और देखते चलें, जो भी हो रहा है होने दें। भय किस चीज का, संकोच किस चीज से? जब उतरना है ध्यान में, जब निश्चय कर लिया कि समाधि में लगनी है तो लगनी है, ध्यान लगेगा तो लगेगा, हमारे चित्त की इस अवस्था को पहचाने कि दूसरे को ध्यान करता हुआ देख, दूसरे को बड़ा आनंदित होता हुआ देख, हम आकर्षित तो हो जाते हैं कि वह व्यक्ति बड़ा आनंद में है, बड़ी शांति से महसूस होती है उसके चेहरे को देख के, उसकी आंखों को देख के, उसकी वाणी को सुन के, तो हम आकर्षित हो जाते हैं कि हमें भी ध्यान करना है। अब जब हम ध्यान करने लगते हैं तो शुरू शुरू में तो बड़ा कठिनाई होती है, बैठना पड़ता है, फिर बड़ा आनंद आने लगता है, क्योंकि जिस विधि को भी पकड़ के कर रहे होते हैं उस विधि से संबंधित अनुभव होने लग जाते हैं, और वो ऐसे अज्ञात अनुभव हैं जो जीवन में कभी भी नहीं घटे थे, तो नई चीज लगती है और ऐसा लगता है कि यही आनंद है जो उस व्यक्ति को हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जब विधि, जब ध्यान अपने पैर पसारने लगता है और आपके अस्तित्व को खतरा महसूस होने लगता है, तो वही घबराहट आपको होने लगती है कि मेरा अब क्या होगा। वो बौद्धिक स्तर पे नहीं होती है कि आप उसको विचार कर पाए, वो इतनी गहरे में होती है कि आपके विचार वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगर विचार आपके वहां पहुंच जाएं तो अपने आप को स्वयं से समझा सकते हैं, लेकिन ये आपकी असामर्थ्यता है कि आप वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं जहां पर वो घटना हो रही थी। इसमें आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का तात्पर्य यह है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा हो आप छोड़ के चलो, कुछ भी घटे, जब रास्ता चुना है और इतनी गहराई तक काम हो रहा है तो भय किस चीज का। प्रथम तो उतरना नहीं है, और जब उतरना है तो पूरा पार करके ही मानना है, ये मेरा अपना मानना है। और वही मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप उतरें,
शिक्षा के क्षेत्र में उतरें, आप इंटर पास कर जाएंगे, आप पढ़े लिखे कहलाएंगे, आप इंटर पास कर जाएंगे, पढ़े लिखे कहलाएंगे। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी, आप कुछ भी कर लेंगे, आप पढ़े लिखे कहलाएंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पे जब तक आप पूर्ण रूप से मूर्ख नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से नहीं हो जाते, पूर्ण रूप से मृत्यु को उपलब्ध नहीं हो जाते, आपका ना होना पूर्ण रूप से घटित नहीं हो जाता है, आप कुछ नहीं को उपलब्ध हो जाते हैं, तब तक आप यहाँ पे पूर्ण रूप से मूर्ख नहीं कहलाएंगे। और यहाँ पे पूर्ण रूप से मूर्ख कहलाया जाना ही यहाँ की सबसे बड़ी डिग्री है। सर्वप्रथम मेरा आपको संदेश यही है कि या तो आप उतरे नहीं, और जब उतरे तो पूर्ण रूप से छोड़ते हुए चले, जो होता जाए होने दें। ये मार्ग ही ऐसा है कि इसमें आप अगर बीच में आएंगे तो आप ही रहेंगे, फिर ध्यान नहीं होगा और समाधि नहीं लगेगी। और ध्यान का, समाधि का, भीतरी जगत का, आपके अपने स्वयं के अनुभव का बाहरी जगत से कोई भी लेना देना नहीं है। आप छोड़ के चलिए, 2 दिन 3 दिन नहीं उठेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप नहीं उठेंगे, और वो आपके हाथ में नहीं है, वो अभी आ जाए और कल आ जाए। इस प्रकार की अगर अग्नि होगी कि कुछ भी हो जाए होने देंगे, अब तो जो भी हो जाए वो होने देंगे, चाहे मैं विक्षिप्त हो जाऊं, चाहे मैं पागल हो जाऊं, चाहे मैं खुद ना बचूं, चाहे मैं खुद ना बचूं, चाहे ये विश्व ना बचे, चाहे मेरा शरीर ना बचे, मैं खुद स्वयं से ना बचूं, जब ऐसी स्थिति अपने को होगी, जब ऐसी अवस्था अपने की हो जाएगी कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो, हमारा कुछ भी छूट रहा हो, और वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है कि आप ध्यान में जा रहे हो, समाधि में जा रहे हो, और आपकी कहीं नौकरी छूट रही हो, आप ध्यान में जा रहे हो और समाधि में जा रहे हो, और आपका कोई गुरु आपसे रूठ रहा हो, आपका ईष्ट आपसे रूठ रहा हो, आपका परिवार आपसे छूट रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ भय हैं जो आपको आपके रास्ते से हटाने के लिए आते हैं, और ये स्वयं की मन की परतों में ही पड़े हुए भय हैं, जो हमने इतना पढ़ लिया है, इतना टीवी और फिल्मों में देख लिया है, अलग अलग प्रकार से वो मानसिकता इतनी गहरे में जड़ें जमा चुकी है कि कुछ भी अगर अज्ञात आपके पास होगा, कुछ ऐसी स्थिति बन रही होगी, कुछ अज्ञात की, कुछ समाधि की, कुछ ध्यान की, कुछ ऐसे अंधकार की, जहां आपका कदम ही नहीं पता है कि कहां रखने वाले हैं, वहां ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप पैर वापस खींच लेंगे। चाहे समाधि लग रही हो, चाहे ध्यान लग रहा हो, होने दें उसको, अपना काम तो करने दें। पहले पहले ही आप क्यों सोच के बैठ रहे हैं कि अगर नहीं उठा तो? इतनी बेबाकी जब तक नहीं होगी कि नहीं उठा तो नहीं उठा, क्या हो गया? अगर मैं मर भी गया तो क्या हुआ? कुछ छूटा तो क्या हुआ? अगर इस प्रकार का भाव आपका बना रहेगा तो निश्चय ही निश्चय आपका ध्यान की गहराइयों में, उस जगत में ऐसा प्रवेश होगा कि वही जो स्थिति उस व्यक्ति के दिखती है चेहरे पे, आंखों पे, वाणी पे, जो अनंत आनंद उसके शब्दों से फूटता है, उस आनंद के महासागर में
आप भी गूते खाएंगे। रात में आप ध्यान कर सकते हैं। रात में ध्यान करने की स्थिति इतनी उत्तम है कि जिस तरफ पृथ्वी के आप हैं रात में, उस तरफ आधी पृथ्वी सो रही है, और जिस तरफ आधी पृथ्वी सो रही है उस तरफ जितने भी लोगों के विचार चलते थे, जितने भी लोगों के विचार की फ्रीक्वेंसी हर तरफ उत्पन्न रहती थी, वो उस समय शांत है। और जब आपका माइंड का रिसीवर उन विचारों को नहीं ले पाता है तो वो स्वतः में उतरने लगता है, उसके विचारों की स्वतः की फ्रीक्वेंसी शांत होने लगती है। स्वयं वो दिन भर सोचता रहा, समझता रहा, समाज में उठता बैठता रहा, रात में उसके स्वयं के विचार शांत होने लगते हैं, मानसिक रूप से थकान शुरू हो जाती है। और ये एक अवस्था है वैसे, जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ध्यान आपको खींचने लगेगा तो ध्यान के लिए किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थान की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होगी। जहाँ आप बैठे होंगे, जो कर रहे होंगे, आप होंगे तो ध्यान होगा। कहीं भी आप बैठे होंगे तो ध्यान होगा उस परिस्थिति में, उस अवस्था में जब प्रवेश हो जाता है, तब फिर आपको न स्थान की आवश्यकता है, न समय की आवश्यकता है, न लोगों के बीच की आवश्यकता है, न लोगों के एकांत की आवश्यकता है। आप कहीं भी रहेंगे आपका ध्यान रहेगा। तो मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों को उस स्थिति से अवगत कराने का प्रयास करूं। ज्यादा तो नहीं हूं, एक चौखट मात्र हूं, और उस चौखट से आपको होकर गुजरना होगा तो हल्का सा सर झुका के निकलना होगा, क्योंकि चौखट भी आपको छोड़नी पड़ेगी। उस चौखट के पार जब आप निकलेंगे तो वो आपका अपना स्वयं का जगत होगा, आपके अपने स्वयं के अनुभव होंगे। आप शिविर में आएं और ध्यान सीखें, ध्यान करें, ध्यान में हो जाएं और ध्यान में खो जाएं। मेरा यही प्रयास है।